बिल्कुल यूनिक तरीके से और कुछ नया है मार्केट में और नया है तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए, ये जब बन रही तब उनकी जो अरोमा, जो स्मेल थी वो वाकई यूनिक थी, डिफरेंट थी। और इनके ऊपर का जिन्होंने जो लेयर लगाया हुआ है गार्लिक का, बेस्ट है। दाबेली की तो अपन पूरी सीरीज लगा देंगे, उसमें अपन ने बहुत अलग अलग यूनिक तरीके की दाबेली खाई है, उनमें से एक यूनिक दाबेली ये है, बिल्कुल यूनिक तरीके से है और डिफरेंट है। वेलकम टू वंस अगेन बुद्ध सिटी। ये बुद्ध सिटी का हमारा सेकंड वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुंजन चावड़ा और आप सबका स्वागत है कुंजन चावड़ा द फूड चैनल में। मित्रों, आज हम कच्छ की एक ऐसी अनोखी सिटी में आए हैं, ऐतिहासिक सिटी, उसका नाम है भुज। और भुज में तो स्वाद का बहुत खजाना है, अलग अलग वेराइटीज़ है और आपको कहीं पर भी कुछ ढूंढना नहीं जाना पड़ेगा, जहीं से भी गुजरोगे वहाँ से आपको कुछ ना कुछ यूनिक और अनोखा टेस्ट मिल जाएगा। तो वैसे ही एक स्टेशन के पास अपन आए हैं, आप पीछे देख सकते हैं, हावड़ा रोटी वाला है ये, कम से कम 18-20 साल से है और बहुत सा उनका नाम हो चुका है भुज में। और डिफरेंट और अलग अलग टाइप की वेराइटी बनाते हैं ये दाबेली में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं इनके ओनर से और देखते हैं कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। फिलहाल मित्रों, आपको एक बात जानकारी दे दूं कि इनका मेनू में बहुत सारी वेराइटीज़ है दाबेली, बट अभी कोरोना काल चल रहा है इसीलिए उन्होंने 2 से 3 ही वेराइटीज़ बस अभी रखी है। तो मेनू तो मैं आपको इसमें बता ही दूँगा, बट इनमें से जो अभी रेगुलर चालू रखा है, चलो वही अपन इनसे बनवाते हैं और टेस्ट करते हैं और देते हैं रिव्यू कि किस टाइप की है दाबेली इनकी। तो ज़्यादा टाइम ज़ाहिर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। खावड़ा रोटी वाला। मित्रों, कच्छ के अंदर दाबेली को रोटी भी बोलते हैं, इसलिए इनकी गाड़ी ऊपर लिखा हुआ है खावड़ा रोटी वाला है और ये पैसा बहुत ही फेमस है। जैसे कि मित्र देख रहे हैं, ये है यहाँ के ओनर। पहले तो इनका नाम जानते ही, नाम क्या है आपका? मेरा जयेश भाई। जयेश भाई, जयेश भाई अपन कितने टाइम से है भुज में? भुज में 2002 से चालू किया हुआ है। ओके, भुज में 2002 से है और तब से ये सेवा चालू है सबके लिए। और अपनी क्या क्या खास वेराइटी है दाबेली में? अपना ये जो गार्लिक दाबेली है। ओके, गार्लिक चीज़ है। ओके, गार्लिक जो है अभी ठंडी सीजन में जो ग्रीन गार्लिक आता है। ओके, बरोबर। तो ये और सूखा गार्लिक में फैला है सीजन के बाद में, ये ठंडी सीजन के बाद रेगुलर जो गार्लिक रहता है वो। ओके, एक तो गार्लिक की हो गई और दूसरी वेराइटी? गार्लिक चीज़ है। बरोबर, फिर वेजिटेबल मसाला पाव है। ओके, दाबेली है। क्या बात है, बहुत सी वैरायटी है मित्र, इनका आपको मेनू में मिल जाएगा, बट अभी कोरोना काल है इसलिए अभी लिमिटेड ही स्टार्ट करा इन्होंने किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पूछ लेते हैं, इनके टाइमिंग भी साथ साथ पूछ लेते हैं, टाइम क्या है अपना? टाइम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। बरोबर, 3 से 4 लंच टाइम रहता है, ब्रेक बाद में 4 से 10 बजे। वाह रे वाह, पूरी सेवा चालू है आपके लिए। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिए, इनकी जो जो अभी रनिंग
रनिंग वेराइटीज़ है, उसमें से हम कुछ चुन के वो ट्राई भी करेंगे, टेस्ट करेंगे, और वीडियो में आपको लास्ट में आपको यहाँ का मेनू और एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए ज़्यादा टाइम ज़ाहिर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले तो उन्होंने उनके दाबेली में जो मसाला लिया है, दूसरी दाबेली का, दोनों दाबेली तवा के ऊपर सेकने के बाद ये आया बटर, इसके ऊपर फ्रेश गार्लिक एंड रेगुलर गार्लिक, ये रहा उनका स्पेशल मसाला। अच्छी तरह से पकाने के बाद ये उनकी सीक्रेट चटनी, क्या बात है। अब पता चला इनकी गार्लिक दाबेली का राज, वाओ। ये मित्रों जब ये इन्होंने बना के दिए, ये हो गए रेडी गार्लिक दाबेली, चलिए ट्राई करते हैं। तो मित्रों जैसे ये आपने देखा गार्लिक दाबेली बिल्कुल यूनिक तरीके से, और कुछ नया है मार्केट में, और नया है तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए, ये जब बन रही तब उनकी जो अरोमा जो स्मेल थी वो वाकई यूनिक थी, डिफरेंट थी। और इनके ऊपर का जिन्होंने जो लेयर लगाया हुआ है गार्लिक का, बेस्ट है। दाबेली की तो अपन पूरी सीरीज लगा देंगे, उसमें अपन ने बहुत अलग अलग यूनिक तरीके की दाबेली खाई है, उनमें से एक यूनिक दाबेली ये है, बिल्कुल यूनिक तरीके से है और डिफरेंट है। और दाबेली तो है ही, बट इसके अंदर जो इनको ने जो मसाला डाला हुआ दाबेली का, वेरी टेस्टी है। और यूनिक में के बारे में बताऊं तो ये इसके जो हमने लेयर लगाई है गार्लिक की, तो कुछ में आए हैं और कुछ यूनिक ट्राई ना करें ऐसा तो नहीं बन सकता। तो गार्लिक दाबेली वो भी खावड़ा डब रोटी वाले, हंड्रेड परसेंट बेस्ट है। आइए वीडियो में आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा, टाइमिंग सब पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए। अभी इनकी एक और आइटम है वो भी ट्राई करते हैं, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये वाली दाबेली बेस्ट है। अभी ये सेकंड आइटम बन रही है मित्रों, सबसे पहले तो बटर लिया उन्होंने, बटर को थोड़ा गर्म करने के बाद उन्होंने फ्रेश गार्लिक और रेगुलर गार्लिक डालने के बाद अच्छी तरह से पकाने के बाद टमाटर, उनका चाट मसाला, ये इनकी सीक्रेट चटनी, और ये डबल रोटी के अंदर एक लेयर लगा दी उन्होंने, फिर उन्होंने एक चीज़ ली है, चीज़ के ऊपर भी मसाला, और बटर लेने के बाद उसको एक बार और फ्राई कर लेंगे, क्या बात है। अच्छी तरह से दोनों तरफ फ्राई करने के बाद वापस बटर डाला है, एक दूसरी चीज का स्लाइड लेने के बाद उसके ऊपर गरम मसाला और चाट मसाला डाला उन्होंने, और ये है आपकी वेजिटेबल चीज मसाला पाव रेडी है, चलिए ट्राई करते हैं। तो मित्रों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है इनकी सेकंड वैरायटी,
नज़दीक से बता देता हूँ। ये है इनकी स्पेशलिटी, जब भी भुज में आए आप यहाँ की मुलाकात ज़रूर लीजिएगा, आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा लास्ट में वीडियो में। और वेजिटेबल चीज़ मसाला पाव है, बहुत चीज़ से भरपूर है। तो चलिए टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है। पहले देखिए, बीच में वेजिटेबल की लेयर है और ऊपर चीज़ से लथपथ, वेजिटेबल से लथपथ। चलिए ट्राई करता हूँ। वाओ, बोलते हैं जैसे स्वाद का वो विस्फोट मेरी लैंग्वेज में, वो आप जैसे फर्स्ट लेंग इसका बाइट लेंगे आपको लगेगा। और बहुत ही यूनिक तरीका है इनका पाव बनाने का, और जैसा ही तरीका है वैसा इनका टेस्ट भी है। तो आइए इस जगह पर और आप भी आनंद लीजिए, बाकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, ये चीज़ वेजिटेबल चीज़ मसाला पाव बेस्ट है, यूनिक है और अलग है, अलग है तो ट्राई करना बनता ही। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, नाश्ता कर रहा था, साथ ही साथ यहाँ के रेगुलर कस्टमर मिल गए, तो चलिए इनसे ही मुलाकात करते हैं। फर्स्ट इनसे मिलते हैं। क्या नाम आपका भाई? लहरी भाई सोलंकी। लहरी भाई सोलंकी, और इनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम आपका? कुशाल सोलंकी। कुशाल सोलंकी, तो कुशाल सर से ये अपन पूछेंगे भाई कि आप यहाँ पे कितने टाइम से आते हो? मैं इधर बहुत सालों से आता हूँ। बरोबर, और आप जगह रोटी खाया उधर, टेस्ट अच्छा है। बरोबर, मतलब मार्केट में ये यहाँ के हैं प्रॉपर, और मार्केट में बहुत सी जगह पर ये ट्राई करते हैं, बट इनको यहाँ का टेस्ट अच्छा लगा। अच्छा लगता है, बहुत फेमस है रोटी वाले। वाह, तो मित्रों आप भी आइए टेस्ट कीजिए, आप भी आइए, सब लोग खाइए, इधर का टेस्ट कीजिए। वाह, रोटी बराबर, बहुत अच्छा लगेगा खाने के बाद। बराबर, और बहुत जगह घूमे हम, उधर से इधर टेस्ट बहुत अच्छा है। बराबर, और क्या चाहिए मित्रों? तो मित्रों वीडियो में लास्ट में आपको यहाँ का एड्रेस और मेनू मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये है इनका मेनू, और मेनू की खास बात ये है कि इन्होंने दबली के साथ साथ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दूसरी भी वैरायटीज है इसके अंदर। जैसे कि ये हो गई उनकी अलग अलग प्रकार की दबली, जिसमें गार्लिक भी है, मेयोनीज भी है, सेजवान दबली भी है, जैन दबली भी है, चॉकलेट चीज़ दबली भी है, सैंडविच दबली। दबली के अलावा कड़क है, कुरकुरे चाट है, टोस्ट है, और बहुत सारी वैरायटी है। इसमें इनके प्राइस लिस्ट में भी एक एक 2021 से लिटिल बिट थोड़ा चेंज आने वाला है। तो जैसे कि मित्र आप देख रहे हैं इनकी ये थर्ड वैरायटी है, उनके पास बहुत सी वैरायटी है, बट फिलहाल अपन तीन रखेंगे। जब भी आएंगे यहाँ पे भुज में तो नेक्स्ट राउंड और लेंगे इनके पास, और दूसरी वैरायटी आपके सामने बताएंगे। ये है कुरकुरे चाट, यूनिक तरीका है इनका, और जैसे ही आपने देखा चाट बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाई है। चाट के अंदर बता दूँ तो इनका कुरकुरे है, इनकी स्पेशल चटनी है, और ऊपर उन्होंने मसाला सिंह डाली हुई है, सेव डाली हुई है, प्याज डाली हुई है। और चलिए ट्राई करते हैं। जो चाट के दीवाने हैं, जिसको चाट का ज़्यादा शौक है, वो आए यहाँ पे ट्राई करें, वाकई कुछ अलग है। खास में बताऊँ तो मित्रों ने जो ऊपर चटनी इनकी डाली है स्पेशलिटी इनकी, इसी चटनी के लिए ये टेस्ट जो कुरकुरे चाट का है वो मार्केट से अलग है और कुछ यूनिक है। तो कुरकुरे चाट हमने बहुत सारी खाई है मार्केट में भी, बट इनकी ये चटनी के वजह से थोड़ा यूनिक टेस्ट है। तो यही है, आप आइए
ट्राई कीजिए तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या टेस्ट है। तो मित्रों ये वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखा और यूनिक चीज़ के साथ। तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फेसबुक का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, उसके बाद व्हाट्सअप, आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरे यहाँ पे यूट्यूब का है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, प्रेस दबाकर रेड कलर का, और प्रेस ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आने की मस्ती मजाक और धमाल के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।